हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का फिर से एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, 2023 का लास्ट वीडियो होने वाला है। सबको एडवांस पे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड करूंगा। रिकॉर्ड तो मैं सुबह ही कर रहा हूँ, एक्चुअली दोपहर को कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा रात को अपलोड करूंगा ताकि थोड़ी वाइब आए, मतलब 2023 एंड होने वाली वाइब। तो सबसे पहले सभी को, जैसे मैंने बताया, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सब मज़े करो, रात को भी मज़े करो और पूरे साल मज़े करो। एंड वापस से स्वागत है गाइस हमारे पुश टू लेजेंड 6K एंड उसी के साथ रोड टू मैक्स, दोनों एक साथ ही हम बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो आज देखो, ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत ज़्यादा काम है, एक ही बिल्डर फ्री है। कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा मज़ेदार। जैसे सबसे पहले बात बताऊं तो कल का दिन हमारे लिए बहुत एवरेज सा गया। अगर आपको मैं लॉग दिखाऊं तो मैं -9 ट्रॉफीज में रहा और धड़ल्ले से मेरे डिफेंसेस गए, और इतनी किस्मत खराब रही कल, आपको मैं काउंट करवाता हूं। सबसे पहला अटैक देखो 97%, नंबर 2 98%, दो टाइम फेल्स, बीच में 2-3 ट्रिपल्स भी निकले, फिर नीचे आके 93%, एक और टाइम फेल। तो 3 अटैक्स हमारे टाइम फेल में गए, वरना और कुछ ट्रॉफीज हम ऐड ऑन कर पाते और प्लस में रहते। बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा -9 था, इतना ज़्यादा दुख की बात नहीं है। -26 आज एक ही अटैक लिया है हमने। बट मज़ेदार बात यह है कि आज लास्ट दिन है, अगर आप देखोगे तो एक ही दिन बचा इस इवेंट को ख़त्म होने में, और इवेंट के बाद थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कुकीज़ और मतलब बेसिकली कुकीज़ और फ्रॉस्टमाइट स्पेल ने बैंड बजा रखी है, कोई बेस डिफेंस नहीं कर पा रहा है। बट मेरे को लगता है ये इवेंट ख़त्म होने के बाद थोड़ी राहत की सांस हमें मिलेगी, तो देखते हैं तब हमारा डिफेंस जो है वो कितना कैसे जाता है। अभी तक के लिए, और मैंने पर्टिकुलरली एक अच्छा काम किया कि मैंने कुकीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं यूज़ टू नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रूट राइडर्स ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे लिए एडवांटेज है कि आर्मी मेरे को दिक्कत नहीं होगी। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो, एंड शॉर्ट्स थोड़े थोड़े अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, उस पर फोकस रखें, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिलेंगे आपको। ना आज हम क्या करेंगे, देखो रिसोर्स में कोई कमी नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है। अगर बात करूँ तो मेरा ये क्या नाम है, भूल जाता हूँ, ब्लैक स्मिथ जो है वो लेवल 7 पे जा रहा है, इसको तो मैक्स करना ही है, जब तक मैक्स नहीं हो रहा तब तक रुकना नहीं है। एक बिल्डर ही हमारे पास फ्री है, तो अगर मैं मैजिक आइटम्स की बात करूं गाइस, मेरे पास एक बुक ऑफ हीरो अवेलेबल है और मेरे पास काफ़ी सारा लेग्जर भी है, तो आज वार्डन को एक लेवल अप करेंगे। एंड वार्डन को अप करने के बाद, क्योंकि मैं उसे बुक करूंगा तो मेरा बिल्डर तो एंगेज नहीं होगा, तो एक डिफेंस अपग्रेड करेंगे, गोल्ड बहुत सारा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 दिन बाद एक्सबो हो जाएगा, तो मोटा मोटा हमें 4 दिन स्टोरेज भरने में भी तो लगी जाएंगे, 4 दिन नहीं भी लगता, एटलीस्ट 3 दिन तो लगी जाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स बिगिन। 2 टैग्स भी लेंगे हम लेजेंड्स के, एंड वी आर ऑल सेट गाइज, वी आर ऑल सेट। तो सबसे पहले आके यहाँ पे हम वार्डन को अपग्रेड कर लेते हैं, हेरी गो। सो ये हमने वार्डन को अपग्रेड कर लिया, एंड देन फिनिश विद बुक। यस, सो वार्डन हमारा 67 हो चुका है, 3 more levels टू गो। क्वीन तो पहले हमने मैक्स कर लिया था, अब फोकस यही है कि पेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करूं, एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि हीरो लेवल सब उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, मतलब अगर आप 90 हो या 95 हो तो बहुत बड़ा फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इक्विपमेंट्स अगर मैक्स हैं तो वहाँ पे आएगा मस्त मज़ा। एंड कल जो मैंने शॉर्ट बनाया था वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए थे जायंट गॉन्टलेट के बारे में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन द अटैक्स। और अगर मैं बात करूँ, CWL आ रहा है तो मैं थोड़े मैजिक आइटम स्टॉक कर रहा है, जैसे बुक ऑफ बोल रहा हूँ मैं, हीरो पोशन मैंने एक सेव करके रखा है, और भी यहाँ वहाँ से जितने भी रेड मेडल्स वगैरह से बुक ऑफ बोल रहा हूँ, हीरो पोशन मिलता है, उनको हम सब सेव करके रखेंगे, क्योंकि CWL में बड़ा काम आएंगे। तो चलिए पहला अटैक करते हैं, लेट्स गो। 8 अटैक्स हैं आज के, एंड हमारी आर्मी जो है वो पूरी रेडी है। सब कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आई थिंक कि मैं डबल ब्लिंप लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को आगे ट्रैक करते हैं, एंड देन वी विल रिमूव द ब्लिम्प। 2 ब्लिम्प लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ ये बना के रखते हैं, एंड लेट्स गो, देखते हैं कैसा बेस मिलता है। कम ऑन, थोड़ा ढंग का बेस मिलना। ओके, ईगल वहाँ पे स्वीपर है, भाई स्वीपर को ऐसा रखा है ना कि कभी कभी छुप जा रहा है, देखो क्लैन कासल के पीछे। ओके, अगर मैं ईगल को ब्लिम करता हूँ देन वैल्यू अच्छी है, एक्सपोज अगर पीछे मिल गए, सीसी ल्यूर मिल जाएगा इस साइड से, फिर सही ऑप्शन है, देखते हैं, बट इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आई थिंक एक कुकी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ताकि ये विजर्ड टार को मैं वन शॉट कर लूँ, एंड देन मैं यहाँ पे एक और 2 लून सेंड करूँगा, एंड देन हमारा ब्लिम्प आ जाएगा। वहाँ पे अगर पीछे देखोगे तो स्वीपर है, तो उसको हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा। मैं फ्रॉस्टमाइट जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पे, एंड स्वीपर को हमने यहाँ पे फ्रीज़ कर लिया, डिस्ट्रैक्ट भी कर लिया एक्सपोज को, एंड देन वी विल लैंड ऑन द ईगल। जो येटीमाइट्स हैं वो जंप करके एक्सपोज वगैरह निकाल लेंगे, अगर मुझे ये डबल कैनन मिलता है तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। ओके, डबल कैनन मिल गया, आई थिंक मुझे एक्सपो भी मिल जाएगा। ओ भाई साहब, वन शॉट बच गया। नो,
दो चार एक मतलब येटीमाइट्स अगर ड्रॉप हो जाते तो वहाँ पे वो भी मिल जाता, बट सैड नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा कि मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। जब तक येटीज अपने काम कर रहे थे तब तक मुझे क्वीन ड्रॉप कर लेनी चाहिए थी पहले से, बट ठीक है देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये जायंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे डबल विचेस आ जाएंगे हमारा। अरे यार ये क्यों हो रहा है आजकल मेरे साथ, हर बार मेरी एक विच मर जाती है। कोने में टेस्ला रखते हैं लोग, हॉरिबल यार, बट चलो ठीक है ये भी सहलेंगे। अब हमारा वॉल ब्रेक आ जाएगा यहाँ से, हमारे रूट राइटर्स आ जाएंगे। ओह बहुत मार पड़ रही है भाई क्वीन को। ओके ये आ जाएगा, वार्डन आ जाएगा, कम ऑन वार्डन इतना लेट क्यों हो रहे हो। एक कुकी है वो भी आ जाएगा, बढ़िया। बाहर के लिए कुछ आउच, सारे सारे बाहर जा रहे हैं, नॉट गुड। यहाँ पे ये आ जाएगा, आउच 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 आउच, कम ऑन हीलर्स फॉलो करो, आगे जाओ, यस यही तो चाहता हूँ मैं। यहाँ पे एक और रेज आ जाएगा, लुकिंग गुड लुकिंग गुड, अभी तक सही जा रहे हैं, नॉट दैट बैड। यहाँ पे ये आ जाएगा, अरे कहाँ जा रहे हो, कौन कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे रेज आ जाएगा, वार्डन एबिलिटी आ जाएगी, किंग एबिलिटी आ गई क्योंकि आपको बताया था मैंने, याद है। यहाँ पे ये आ जाएगा, एक ये दो आर्चर्स यहाँ से आ जाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। ओके नॉट बैड, सही जा रहे हैं। क्वीन एबिलिटी पड़ी है अभी तक, बट टाइम 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 एक इशू है। ओह नो कम ऑन, ओह हो मुझे लगता है टाइम जाएगा आज, आज गया ख़त्म, टाटा गुड बाय। यहाँ पे आर्सिबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी फॉक्स मेरी फॉक्स मेरी फॉक्स, क्वीन एबिलिटी 30 सेकेंड्स। मम्मिया क्या करूँ मैं क्या करूँ, गया ये अटैक, गया 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 ख़त्म। डैंग इट, यहाँ पे लून ड्रॉप कर रहा हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं होगा। बॉटम साइड पे बहुत सारे ट्रैश बच गए हैं भाई यार। 10 सेकेंड्स 11 सेकेंड्स कुछ, जो मैंने टाइम, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे लग रहा है कि टाइम जो है मैंने काफ़ी वेस्ट कर दिया है। ओह नो, शुरुआत ही ऐसा रहा, 97% पे हमने फिनिश किया, दैट्स नॉट गुड गाइस। ये ब्लिम के साथ यही ब्लिम के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे साथ है, मैं हमेशा यही कर गलती कर देता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। पहला अटैक जो है दर्द हमने सहा है उसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, सेकंड अटैक पे ट्रिपल लाते हैं। बट तब तक एक काम करूंगा जो मैंने बताया था कि मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड हो चुका है तो उससे एक डिफेंस अपग्रेड करेंगे। एंड आई थिंक लास्ट हमारा मल्टी आर्चर टार, तो यही करते हैं ठीक है। चलो मल्टी आर्चर टार हमने यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए डाल दिया, एंड देन इसको भी हम ड्रैगन ड्रॉप कर लेते हैं इस साइड। तो भाई देखो हमारा बहुत सही जा रहा है सीन, सारे गियर मतलब जो डिफेंसेस है वो हमारी लग चुकी है, सारे अपग्रेड भी जा रहे हैं तो मैक्स भी होने वाले हैं। दो एक्सपोज ऑलरेडी हमने डाल रखा है अपग्रेड पे, और दो एक्सपोज यहाँ पे आए, दो एक्सपोज डाल रखा है तो इतने सारे बिल्डर्स कहाँ से आ गए मेरे पास, सीन क्या है भाई। ओ एक्सपो हो गया है ऑलरेडी, माई गॉड कितना प्यारा एक्सपो है ये, देखो भाई कलर तो इसका अमेजिंग है। तो सीन ये है कि अब दो एक्सपोज बचे हैं, और एक्सपोज फिनिश करने के बाद मैं फोकस करने वाला हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट या तो बम टार्स या तो विजर्ड टार्स फिर बम टार्स, फिर एयर डिफेंस, फिर फाइनली मोटार्स करेंगे, एंड देन सब डिफेंस खत्म होने के बाद स्टोरेजेस करेंगे, क्योंकि स्टोरेजेस हमें बॉदर नहीं कर रहे हैं। स्टोरेजेस कंप्लीट होने के बाद तो बचते हैं ट्रैप्स, तो ट्रैप्स करेंगे। अभी के लिए फिलहाल यही है, ओके ऑल गुड सब कुछ सेट है, चलो चलते हैं अटैक पे, हियर वी गो। इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे, थोड़ा अगली हम शुरू कर देंगे अपनी क्वीन को ड्रॉप करके ठीक है। ओके क्वीन भाई सारे के सारे हीरोज इस तरफ है, बाप रे। अगर मैं ब्लिम्प भी करता हूँ ना तो फिर मुझे इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हीरोज जो है वो गड़बड़ कर देंगे। हाँ अगर मैं एक फ्रॉस्ट माइट यूज़ करता हूँ तो सही रहेगा, एक बार एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले एक लून ड्रॉप करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है परफेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे फ्रॉस्ट माइट, एंड देन वी विल ड्रॉप द रेज, कम ऑन जल्दी 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 जल्दी। एक हीरो एटलीस्ट, एक हीरो तो मिल जा, एक हीरो तो मिल जाए, एक मिल गया शायद, एक मिल गया। ओके बाकी हीरोज भी लो हो चुके हैं, दैट्स गुड। यहाँ पे क्वीन आ जाएगी, इस बार भी मैंने वही गलती करी, मैं क्वीन को फिर से मैंने लेट ड्रॉप किया, मैं वेट करके देख रहा था कि ब्लिम क्या कर रहा है, बट वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। ये गलती जब तक मैं दोहराता रहूँगा ना तब तक मेरे ये इशूज़ ख़त्म नहीं होने वाले। चलो कोई बात नहीं, क्वीन यहाँ पे बाहर रहेगी तो मेरे लिए बेटर है, क्वीन अंदर मत जाना प्लीज़। ओके परफेक्ट, यहाँ पे ये जायंट आ जाएगा, यहाँ पे लून, सॉरी लून्स बोल रहा हूँ, हीलर्स आ जाएंगे,
अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे किंग आ जाएगा, ओके यहाँ पे एक ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे रूट राइडर्स आ जाएंगे, वार्डन आ जाएगा हमारा, ये एक आ जाएगा, यहाँ पे दो ये आ जाएंगे, एंड देन हमारे लून्स, लून्स ड्रॉप करने में गलती कर दी। ओ नहीं, परफेक्ट, नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। यहाँ पे ये आ जाएगा, गोइंग गुड, यहाँ पे एक ये, लेट्स रेज इट अप, ओके आइस गोलम्स हैं, हॉरिबल, ओके कोई बात नहीं, फ्रीज करते हैं। माई गॉड, किंग एबिलिटी थोड़ी लेट कर दी मैंने, चलो वो भी ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे एक और रेज, लेट्स फ्रीज द टाउन हॉल। ये इनविजिबिलिटी टावर भी ना हमेशा गड़बड़ करता है, बट ठीक है, वी आर गोइंग गुड। ओके ये आ जाएगा यहाँ पे, क्वीन, क्वीन बहुत सही जगह गई है, मैं चाहता भी था कि क्वीन इसी तरफ कहीं जाए, क्योंकि वी विल इनविज द क्वीन, ड्रॉप द आरसी फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे एक वॉल ब्रेक आ जाएगा, गोइंग गुड, गोइंग गुड, गोइंग गुड, गोइंग गुड, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन आरसी, पेट 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 बचा के रखो आरसी को। यहाँ पे एक ये आ जाएगा, गोइंग गुड गाइज, वे गोइंग गुड, आई थिंक ये टाइम इशू कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अभी भी 40 seconds, ऑलमोस्ट 50 seconds के आसपास बचा था। That's power of the RC ability, queen ability अभी भी बची है, एंड देवी गो गाइज, देवी गो। बट वही सेम गलती हमने वापस से करी थी, जो हमें सुधारना पड़ेगा, कि हम ब्लिम करने के बाद क्वीन को ठीक ठाक पोजिशन में ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि बैक साइड पर क्वीन जो है वो अपना काम करती रहे। वार्डन होता तो मैं मान लेता, क्योंकि वार्डन के केस में क्या होता है, फिर वो ब्लिम को फॉलो करके चला जाता है, बट क्वीन के केस में ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रिपल निकाल लिया हमने, दैट्स गुड। बट इसके अलावा और कुछ, आई डोंट थिंक सो, बिल्डर्स भी अभी बिजी रहेंगे, कोई मैजिक आइटम नहीं है, जेब हमारी खाली है। यहाँ पे हमारे, पता है यहाँ पे मैंने अपने सारे कुकी मेडल्स जो है वो ज़ीरो कर दिए, सारे सब कुछ मैंने परचेज कर लिया। यहाँ पे भी सीज़न बस एक दिन ख़त्म होने को बाकी है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, रिवॉर्ड लिस्ट देखोगे तो अनक्लेम्ड में मैंने कुछ नहीं, सब ले लिया है सब। तो भाई इस बार तो सब कुछ निचोड़ लिया एकदम। बट कोई नहीं गाइस, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया, जैसे बताया था मैंने, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मज़े करना, अच्छे रहे, एंड एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद, बाय।